हेलो, अस्सलाम वालेकुम अपिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुमने कैसे याद कर लिया? मैं आपको बहुत दिनों से बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। मैं बहुत मिस कर रही हूँ सबको। अम्मी और बाबा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है वो लोग ठीक है, और वो भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। मैं आऊंगी मिलने। ठीक है अपिया, क्या हुआ है? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है? नहीं तो सब ठीक है, तुम्हें क्यों ऐसे लग रहा है? अच्छा, हो सकता है फिर मुझे ऐसा लग रहा हो। मेरी छोड़ो, तुम बताओ अब आगे क्या करना है स्टडीज का? मैंने की थी बाबा से बात, मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ पढ़ाई। गुड, तो फिर एडमिशंस कब से हैं? अभी डेट नहीं आई अभी, बस नेक्स्ट वीक से टेस्ट की तैयारियां करने जाऊंगी। हाँ चलो ठीक है, जब एडमिशन्स ओपन हो ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है डन, मैं आपको बता दूंगी। हाय सप्तन भाई। हाँ क्या हाल है, कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ। आप इतने दिनों से हमारे घर नहीं आए, बाबा आपका पूछ भी रहे थे, आप हमसे नाराज है क्या? नहीं, मैं कौन हूँ नाराज? हेलो सिप्तेन भाई, थोड़ा लाउड करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं कह रहा हूँ हम आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन जल्दी आएगा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ जरूर। हाँ मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक ठीक है अपिया, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। सप्तन, अगर आपको इतनी रूडली ही बात करनी थी तो आप सामने क्यों आए? यार मैं अपने टाइम से अपने रूम में आके बैठा हूं, मैं कोई सामने नहीं आ रहा था, उसी ने मुझे बुलाया। आपको अपना बड़ा भाई मानती है, उसको कितना बुरा लगा होगा। जब तुम्हारी फैमिली को वो याद ही नहीं रहता तो ये अपनाइयत का नाटक क्या जरूरत है इसकी? मारिया मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो मुझे मजीद परेशान मत करो। और सजीला के लिए तो बिल्कुल फिक्र नहीं करूँ, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँ। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। थैंक यू या नॉट।